इसके बारे में हम डॉक्टर साहब, इसके मैं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा इसमें। प्राचीन काल में भारत के मूल निवासियों की भी राजनीतिक विचारधारा रही है। प्राचीन काल में भारत के मूल निवासियों की भी राजनीतिक विचारधारा रही है, जैसे वैशाली का गणराज्य है, सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तो बड़ी शानदार विरासत रही है भारत के मूल निवासियों की, और बिहार की हमारे रही है, हमारे भारत देश की रही है, और भारत के मूल निवासियों की रही है। जाने कहाँ खो गई ये हमारी शानदार विरासत। आज दुनिया इसी पर चल रही है, लेकिन हम उस विरासत को भूल गए हैं, ये खत्म हो गई। तो हुआ क्या है, भारत पर सिकंदर सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था, ये सब जानते हैं इतिहास में। युद्ध में जब इनको हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने रणनीति बदली है, उन्होंने रणनीति बदली है। ये आर्य लोग थे, ये सिकंदर, ये जो यूनानी थे सिकंदर और सिल्लूकस, ये आर्य हैं। ये आर्यों का आक्रमण था जिसको इतिहास में गायब कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्य लोग थे, आर्य कबीले थे। इन्होंने साम दान दंड भेद की नीति अपनाई, ये जो यूनानी थे साम दान दंड भेद की नीति अपनाई, अपनी बहन बेटियों की शादी भारत के मूल निवासी राजाओं से करना शुरू किया। ये भी एक राजनीति है। उसके बदले में मूल निवासी राजाओं ने उन्हें जमीन दान में देना शुरू किया, उसके बदले में जमीन दान में देना शुरू किया। अब आप देखिए, कन्यादान एक पीढ़ी का था, कन्यादान एक पीढ़ी का था, लेकिन जमीन दान पीढ़ी दर पीढ़ी का हो गया। जमीन दान पीढ़ी दर पीढ़ी का हो गया। जमीन के साथ उस जमीन पर बसने वाले मूल निवासियों को भी हमारे राजाओं ने दान में दे दिया। इसको ध्यान में समझिए कि उस जमीन पर बसने वाले मूल निवासियों को भी हमारे राजाओं ने दान में दे दिया। भारत का मूल निवासी गुलाम ऐसे बना है, जमीन दान में दिया और साथ में उस पर बसने वाले मूल निवासियों को भी हमारे राजाओं ने दान में दे दिया। तो भारत का मूल निवासी गुलाम ऐसे बना है। इस तरह से आर्यों ने अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदला है। इस तरह से आर्यों ने अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदला है। साम दान दंड भेद की नीति को राजनीति कहा जाता है। साम दान दंड भेद की नीति को राजनीति कहा जाता है। विद्या बल, बुद्धि बल, छल बल का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है। इस तरह से ये आर्य भारत की शासन सत्ता पर काबिज हुए हैं। इस तरह से काबिज हुए हैं, लड़ करके नहीं हुए हैं। ये भी समझिए कि हमको शरीर से आए, लड़ करके हरा दिए, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये इस तरह से हमारी जमीन दान में लिया है और उससे शासन सत्ता पर ये कब्जा इन्होंने किया है। बुद्ध का मार्ग प्राकृतिक धर्म और मानव धर्म है। ये हम सब लोग पढ़ते हैं फिलॉसफी में कि बुद्ध का मार्ग प्राकृतिक धर्म और मानव धर्म है। इसमें कोई देव नहीं है, बौद्ध धर्म में कोई देव नहीं है। और यूनानी आर्य जो है अपने साथ ढेर सारे देव देवी लेकर आए थे, ढेर सारे देव देवी लेकर आए थे। वे बौद्ध संघ में घुसे, बुद्ध को ही देव बना दिया, और उन्होंने बुद्ध को देव बना दिया और बुद्ध को आसमान में भेज दिया। बुद्ध आसमान में चले गए और इस तरह से बुद्ध भारत से समाप्त हो जाते हैं। भारत के मूल निवासी आसमान में देव देवी देखने लगे। यूनानियों ने, आर्यों ने क्या किया कि भारत के मूल निवासियों को कहा कि ऊपर देखो, ऊपर देखो, और मूल निवासी जो है ऊपर आसमान में देव देवी देखने लगे। नीचे उनकी जमीन दान दक्षिणा में चली गई, नीचे उनकी जमीन दान दक्षिणा में चली गई। तो भारत से मानव धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म खत्म हो गया और देव धर्म प्रस्थापित हो गया। ये है धर्म की राजनीति भारत देश के अंदर, जो हम प्राचीन काल में देखते हैं कि मानव धर्म की राजनीति खत्म हो गई, प्राकृतिक धर्म की राजनीति खत्म हो गई और देव धर्म की राजनीति जो है भारत में प्रस्थापित हो गई। तब से देव देवी की राजनीति चल रही है, तभी से भारत में देव देवी की राजनीति चल रही है और अयोध्या में राम मंदिर उसी राजनीति का परिणाम है। आज जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम एक काल्पनिक पात्र है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, इतिहासकार भी मानते हैं कि रामायण के सारे पात्र काल्पनिक है, ये साहित्य है, ये कोई इतिहास नहीं है। लेकिन वहां पर राम की जन्मभूमि खोजी जा रही है और ये है राजनीति, है देव धर्म की राजनीति, है धर्म की राजनीति है। अब ये देव धर्म जंगलों में प्रवेश कर रहा है। अब ये भारत आज हम देखते हैं क्या, कि ये देव धर्म जंगलों में प्रवेश कर रहा है। आदिवासी जो हमेशा से प्रकृति पूजक रहे हैं, आदिवासी हमेशा से प्रकृति पूजक रहे हैं, उनसे देव देवी पुजवाया जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, देव देवी पुजवा रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है देव देवी के नाम पर। और जो विरोध कर रहा है उसे नक्सली कहकर मार दिया जा रहा है, जो विरोध कर रहा नक्सली कहकर मार दिया जा रहा है। ये है देव धर्म की राजनीति। प्राचीन काल में भी हुआ है,
और आज आप देखते हैं अर्वाचीन काल में भी देवधर्म की राजनीति चल रही है हमारे भारत देश के अंदर। आठवीं सदी से अरब, तुर्क और मुगल भारत आने लगे। ये अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, ये आठवीं सदी से हमारे देश के अंदर आए। वे अपने साथ एक देव लाए, ये जो आए अरब, तुर्क और मुगल, ये अपने साथ एक देव लेके आए। ढेर सारे देव लेके नहीं आए थे, एक देव लेके आए थे, लेकिन बहुत भारी भरकम देव था, सर्वशक्तिमान था, बहुत भारी भरकम देव था और निराकार देव था और सब देव देवियों पर भारी था। उसके पहले जो आर्य लोग देव देवी लेके आए थे, 35 करोड़ देव, 56 करोड़ देवी, उनके ऊपर ये भारी भरकम जो देव था वो भारी पड़ गया। अब चाहे एक देव हो और चाहे बहुदेव हो, दोनों मिलकर भारत पर शासन करने लगे। ये तुर्कों और मुगलों के जमाने में एक देव वाले और बहुदेव वाले दोनों इकट्ठे हो गए और हमारे भारत के मूल निवासियों पर शासन करने लगे और देव धर्म के नाम पर राजतंत्र की नीति राजनीति चली है। देवतंत्र के नाम पर राजतंत्र की नीति चली है। राजतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र भी तो एक राजनीतिक विचारधारा है। राजतंत्र में भारत के मूल निवासी गुलाम हो गए। किस तरह से भारत के मूल निवासी गुलाम हो गए, तो राजतंत्र में होते थे राजा, रानी, राजकुमार, युवराज, युवराज्ञ, नवाब, बादशाह, सुल्तान, ये सब जो है राजतंत्र में होते थे। मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज आए, अपने साथ लोकतंत्र लाए, थोड़ा बहुत राजनीतिक सुधार करने लगे। ये जो अंग्रेज आए सुधार करने लगे, लेकिन वे भी व्यापारी और लुटेरे थे। ये जो अंग्रेज आए थे, गोरे अंग्रेज, ये भी व्यापारी और लुटेरे थे। तो अंग्रेजों ने भी शासन चलाने के लिए सामंत और जागीरदार तैयार किए भारत देश के अंदर। शासन चलाने के लिए सामंत और जागीरदार तैयार किए, राजाओं और नवाबों के साथ समझौते किए। अब भारत के मूल निवासी दोहरे गुलाम हो गए। जब गोरे अंग्रेज आ गए तो भारत के मूल निवासी दोहरे गुलाम हो गए। एक तरफ गोरे अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ उनके मददगार काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज, ये जो सामंत थे, जागीरदार थे, ये सब काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं। राजा नवाब ये ज्यादातर आक्रमणकारी थे, जो विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, तो यही सब थे काले अंग्रेज। तो गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज दोनों मिलकर के शासन करने लगे। यानी ये जो काले अंग्रेज थे, ये गोरे अंग्रेजों के आधार स्तंभ बन गए। तो 1757 में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी सत्ता भारत में प्रस्थापित होने लगी थी। भारत के आदिवासी मूल निवासी अपनी आजादी की लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ने लगे। उनका नारा था अबुआ दिसुम, दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज। तिलका मांझी पहले मूल निवासी नायक थे जो 1785 में शहीद हुए। लोग यहां मंगल पांडे का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तिलका मांझी थे जो 1785 में शहीद हुए। और तब से लेकर आज तक भारत का मूल निवासी विदेशी आक्रांताओं से लड़ ही रहा है। 1947 में गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन सत्ता काले अंग्रेजों को देकर चले गए। गोरे अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन भारत की सत्ता काले अंग्रेजों को देकर चले गए।